Hello students, once again I welcome to all of you in the next lecture of coordination compounds. Students, पिछले दो तीन लेक्चर से हम coordination compound के nomenclature के बारे में पढ़ रहे हैं. Previous lectures में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जब हम coordination compounds का जो नामकरण करते हैं उसमें पहले कैटायन लिखते हैं, फिर एनायन लिखते हैं. उसके बाद फिर मैं आपको बता रही थी कि कॉम्प्लेक्स स्पीसी का नाम कैसे लिया जाता है. तो हमने क्या कर दिया था, हमने तीन तरीके से इसको करा था. जब कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैटायन हो, जब कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायन हो, उसका हमने लिख दिया था. अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था, एक सिंपल कैटायन या एनायन होता था और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होता था. यानी यदि कैटायन सिंपल है तो एनायन कॉम्प्लेक्स है, यदि एनायन सिंपल है तो कैटायन कॉम्प्लेक्स है. इसकी हमने डिफरेंट एंगल से एग्जांपल ली थी. आज हम देखते हैं कि यदि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, यानी व्हेन कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, यानी अभी तक हम क्या ले थे जिसमें आइदर कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स होता है. अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें कि कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो बच्चों इसमें भी लिखने का तरीका वही है, पहले अपन लिगेंड लिखते हैं और पहले उसके बाद मेटल लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है CONH3O6, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और COCN6 ये आपके पास एक जटिल कंपाउंड है, कॉर्नेशन कंपाउंड है. अब आप इसका नामकरण कैसे लिखेंगे. अभी तक तो अपन क्या करते थे कि या तो इसको अपन लेते थे और इधर अपन CN लगा देते, या अपन इसको लेते थे और इसके आगे सोडियम या पोटेशियम लगा देते थे. अब अपने पास क्या है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीसी हैं. तो इसमें देखो बच्चों, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट वाली स्पीसी है उसको तो अपन अपनी मर्जी से क्या मान लेंगे, कैटायन, और बाद वाले को क्या मान लेंगे, एनायन. क्यों, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कैटायन इज रिटन फर्स्ट, कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं. तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो स्पीसी दी गई है इसमें ये तो क्या है अपनी कैटायन, ठीक है, और दूसरी वाली क्या होनी चाहिए, एनायन होनी चाहिए. तो अब ये क्लियर हो गया आपका, पहले वाली स्पीसी को अपन ने कैटायन माना है और दूसरी वाली को अपन ने एनायन माना है. अब आप देखिए इसको, बस आपने जैसे एक को कैटायन एक को एनायन माना, फिर आपका सिंपल तरीका है, ये आपके पास कितना होगा, सॉरी ये NH3O6 है, कोबाल्ट का हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, ठीक है. तो यहां अपन क्या करते हैं, लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट. अब आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है. अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, ये तो पूरा का पूरा कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसकी तो जीरो वैलेंस वो हो गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड मतलब इसकी -6 वैलेंसी हो गई. -6 वैलेंसी में अपन क्या मानते हैं, इसमें से 3 वैलेंसी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और 3 वैलेंसी इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक है. तो अपन ये 6 है, जब 6 साइनाइड आयन किसको कर रहे हैं, 2 कोबाल्ट आयन को की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहे हैं. तो एक की वैलेंसी कितनी हुई, 3, तो यहां पर अपन लिखे कोबाल्ट की 3, ये हो गया आपका कैटायन. अब कैटायन और एनायन के बीच अपन क्या कह रहे हैं, स्पेस छोड़ेंगे. अब एनायन को अपन लिखेंगे वो कितना हो गया, हेक्सा साइनिडो, साइनाइड को अपन कितना लिखेंगे, साइनिडो. और अब क्योंकि अपन एनायन मान रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट. कोबाल्टेट 3. तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल तरीका है, यदि आपके कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो इसमें भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है. इसमें आप अपनी मर्जी से एक को कैटायन मान लीजिए, एक को एनायन मान लीजिए, ठीक है. अब आप
और उसके बाद जो इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है उसके लिए क्या आप क्या करेंगे, इसको दो के बीच में आप डिवाइड कर लीजिए, उतनी आपकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी। जैसे देखिए ये तो अपना एक, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से इसको समझा देती हूँ। CuNH3O4 ठीक है, एंड CuCl4, CuNH3O4 एंड ये हो जाएगा CuCl4। वही वाली बात आ गई, ये अपन ने क्या करा, ये तो अपन ने कैटायन माना, ये अपन ने एनायन माना। इसमें देखिए ये फिर कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या है -4 है, इसके -1 है तो 4 क्लोरीन है तो क्या हो गई -4 वैलेंसी हो गई, -4 में से 4 हो गई तो 2 तो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस कॉपर को और 2 इस कॉपर की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले अपन क्या लिखेंगे टेट्राएमीन ठीक है कॉपर 2 और टेट्रा क्लोरीडो, अब क्या आ जाएगा ये आपका क्यूप्रेट। क्यों आएगा क्यूप्रेट, क्योंकि अब अपना क्या है एनायन है ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं अपन। अब एक और मैं एग्जांपल ले रही हूं जिसमें सेंट्रल मेटालिन, इसमें सेंट्रल मेटालिन दोनों में कैसे कॉपर था, इसमें सेंट्रल मेटालिन दोनों में कैसा कोबाल्ट था। अब यदि अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें सेंट्रल मेटालिन दोनों में अलग अलग है, CrNH3O6 क्रोमियम है ना, ये क्रोमियम हो गया और एक अपन यहां पे ले लेते हैं कोबाल्ट, दोनों सेंट्रल मेटालिन अलग अलग हो गई CO(C2O4)3। ये आपका है तो इसमें भी देखिए पहले जो लिखा हुआ है उसको तो अपन ने क्या मान लिया कैटायन, जो बाद में लिखा हुआ है उसको अपन ने क्या मान लिया एनायन मान लिया ठीक है। तो ये आपका हो गया कैटायन, ये आपका हो गया एनायन। यहाँ पे देखिए NH3 कैसा है उदासीन है, ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड है C2O4-2 कैसा है बाइडेंटेट लिगेंड है लिगेंड है, यानी कि ये दो तरफ से मेटल आयन को पकड़ सकता है। तो एक लिगेंड के एक ऑक्सलेट की -2 हो गई तो 3 की कितनी हो गई -6 हो गई, -6 में से 3 तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और 3 इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये अपना हो जाएगा हेक्साएमीन क्रोमियम 3 और ये क्या हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो ठीक है, ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेट का ई जाएगा तो क्या हो जाएगा वो ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल थे जिसमें कि अपना कैटायन और एनायन दोनों कैसे हैं कॉम्प्लेक्स है ठीक है। तो ये अपन ने क्या देख लिया, जब कैटायन कॉम्प्लेक्स है, जब एनायन कॉम्प्लेक्स है और जब दोनों की दोनों स्पीसी कॉम्प्लेक्स है। अब एक स्पेशल केस का मैं आपको और बता देती हूँ, वो है आपके यदि मान लीजिए ये जो आप अभी तक लिगेंड कर रहे हो कैसे हैं सिंपल है, एक ही तरफ से चाहे वो मोनोडेंटेट हो चाहे वो बाइडेंटेट हो चाहे वो ट्राइडेंटेट हो चाहे वो पॉलीडेंटेट हो ठीक है। अपन ने एक और लिगेंड पढ़े थे एम्बीडेंटेट लिगेंड है ना, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड अपन ने पढ़े थे। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड ही होते हैं, ये कोई अलग से लिगेंड नहीं होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल मेटल आयन को डिफरेंट डोनर एटम्स के थ्रू बांध सकते हैं। तो पहली बात तो क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड हमेशा कौन से होंगे, ये मोनोडेंटेट ही होंगे, लेकिन इसमें एक से ज्यादा डोनर सेंटर होते हैं ठीक है, और उन दोनों सेंटर एटम से ये
विच कैन बाइंड द सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम थ्रू डिफरेंट डोनर एटम्स. तो ये अपन पढ़ चुके हैं. एम्बीडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड ये अपन ने पढ़े थे. मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक तरफ से सेंट्रल मेटल आयन को बांधता है यानी कि जिसमें एक डोनर एटम होता है. बाइडेंटेट लिगेंड जो कि दो तरफ से सेंट्रल मेटल आयन को बांधता है यानी जिसमें कि दो डोनर एटम होते हैं. एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होंगे. एम्फीडेंटेट लिगेंड भी कैसे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड ही हैं लेकिन ये क्या कर सकते हैं दोनों तरीके दो तरफ से ये सेंट्रल मेटल आयन को बांध सकते हैं. एग्जाम्पल आपका है जैसे थायोसाइनेट. थायोसाइनेट में क्या है एक तो सल्फर के थ्रू बांध सकते हैं और एक नाइट्रोजन के थ्रू बांध सकते हैं. सल्फर भी लोन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है लेकिन एट ए टाइम या तो सल्फर देगा या नाइट्रोजन देगा. ठीक है अपन पढ़ते हैं ना थायोसाइनेट और एनसीएस दो तरीके से पढ़ते हैं. तो ये तो थायोसाइनेट हो गया ये आपका आइसोथायोसाइनेट हो गया. तो ये सब क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है लेकिन इनमें दो डोनर एटम है सल्फर और नाइट्रोजन लेकिन फिर मैं बोल रही हूं एट ए टाइम क्या करेगा एक ही देगा. तो इसमें अपन क्या करते हैं अब इसमें ये बताने के लिए कि कौन सा मेटल एटम यानी जो कॉम्प्लेक्स बना है अपना वो एस से बंधा है या एन से बंधा है. इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो आपका जो डोनर एटम है मेटल है मेटल देखिए दो तरीके से बना सकता है इसमें बॉन्ड या तो एस सी एन के थ्रू बना सकता है या मेटल आइसोथायोसाइनेट के थ्रू बना सकता है. तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम क्या करते हैं मेटल को लिखेंगे. मेटल को लिखने के बाद जिससे बंधा हुआ है जैसे मान लीजिए थायोसाइनेट से ये बंधा हुआ है तो हम इसको क्या कह देते हैं थायोसाइनेटो. ठीक है और एक फ्लैश डैश का चिन्ह लगा के एक लिख देते हैं के एस का मतलब क्या है कि ये किससे बंधा हुआ है सल्फर से बंधा हुआ है. यह अपन क्या लिख देते हैं मेटल आइसोथायोसाइनेट और के एन का मतलब है कि एन से बंधा हुआ है और एस का मतलब क्या है कि ये एस से बंधा हुआ है. ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये तो थायोसाइनेट के एस हो गया और ये थायोसाइनेटो एन हो गया. तो कहने का मतलब ये है आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ क्या करना है जिससे भी जुड़ रहा है उसको लिख के और उसके आगे आप के लगा दीजिए. जैसे कि आपका ये है एनओ टू इसमें ओ एन डबल बॉन्ड हो इससे भी जुड़ सकता है नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है. ठीक है तो हम क्या करते हैं यदि नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो हम क्या करते हैं नाइट्रीटो के एन और यदि ओ से जुड़ रहा है तो अपन क्या लिख देते हैं इसमें नाइट्रीटो के ओ. ठीक है तो कुछ नहीं करना है आपको सिंपल जैसे अपन लिखते हैं वो लिख के और जिससे भी जुड़ा हुआ है उसके आगे के लिख के और उसका नाम लिख देते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैं आपको एग्जांपल ले देती हूँ इसका फिर अपन दूसरे एग्जांपल पे आएंगे. आपके पास ये यदि कंपाउंड है Na3 कैटायन हो गया सोडियम. ठीक है CO NO2 होल 6 यदि ये है अब इसमें क्या हो गया NO2 ये आपका लिगेंड हो गया क्या हो गया नाइट्राइट का ई रिप्लेस करके अपन किसको क्या लिख देते हैं नाइट्रीटो
अब ये एन से भी जुड़ सकता है और ओ से भी जुड़ सकता है, दो तरीके से जुड़ सकता है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, सोडियम। ये तो अपने को बताना पड़ेगा ना कि किससे जुड़ा हुआ है सोडियम और कितने हैं हेक्सा हेक्सा 92। ठीक है, और फिर अपन क्या लिखेंगे, अपन क्या लिख देंगे इसके आगे के और ये हो जाएगा एन। 92 से जुड़ा, एन से लगा हुआ इसका मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये आ जाएगा कोबाल्टेट। ये आ जाएगा। और मान लो यदि अपन इसको ऐसा लिखे CO, ठीक है, NH3 होल 5 और ONO, अपने पास यदि ये वाला कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएगा -2 आयन है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, एमीन और 92 में कौन सा पहला आ रहा है, एमीन पहला आ रहा है तो ये आएगा टेट्रा एमीन, सॉरी पेंटामीन है ना, पेंटामीन है तो ये जाएगा पेंटामीन। अब अपन के ये पता चल रहा है किससे जुड़ा हुआ है, ये ओ से जुड़ा हुआ है ना, पेंटामीन 92। अब अपन क्या लिख देंगे, के और ओ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कोबाल्टेट। तो कहने का मतलब ये है यदि आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, एम्फीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें कि एक ही डोनर एटम होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम होता है लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डोनर एटम यूज होता है। ठीक है, तो इनके अपन इस तरीके से। अब एक और आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं, वो होते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या जिसको अपन क्या कहते थे, ब्रिज कंपाउंड। तो इसमें क्या है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड क्या होंगे कि इसमें एक से अधिक सेंट्रल मेटल आयन होंगे, मोर देन वन सेंट्रल आयन, सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें सिर्फ एक सेंट्रल मेटल आयन है, जितने भी अपन ने एग्जांपल देखे हैं उसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल आयन है। लेकिन अब अपने पास यदि ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कि एक से ज्यादा मेटल सेंट्रल है तो वो कैसे होंगे। अब इसमें क्या हुआ, पहला अपन इसको लेते हैं ब्रिज कंपाउंड। ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मेटल मेटल आपस में बंधी हुई है या फिर लिगेंड के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं। यदि लिगेंड के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं तो अपन ने उनको क्या कह दिया, ब्रिज कंपाउंड कह दिया। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें भी सेम वो ही नियम लागू होते हैं जो कि अभी तक अपन ने सिंपल आयन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इनमें भी क्या करते हैं, पहले अपन जितने भी लिगेंड मौजूद हैं उनको अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, और कोई लिगेंड यदि ब्रिज रूप में भी मौजूद है, ब्रिज कोई भी लिगेंड
ब्रिज लिगेंड के रूप में भी मौजूद है और सिंपल लिगेंड के रूप में भी मौजूद है। तो अपन क्या करते हैं, पहले उसके ब्रिज वाले रूप को लिखते हैं और जो सिंपल जो लिगेंड है उसको बाद में लिया जाता है। और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनको भी दो तरीके से लिखते हैं, एक से ज्यादा मौजूद है, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, या फिर सिमेट्री करें तो उनके आगे बेस ट्रिस और टेट्राट्रिस भी लगा दिया जाता है। तो इसमें सबसे सिंपल मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूं। ये आपका एग्जांपल है NH3 होल 5 CR। क्रोमियम की देखिए आपको पता कैसे चलेगा, क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, 6, ये सिर्फ एक 5 है तो एक और आएगी और ये जुड़ा हुआ है OH से, ठीक है। और इसी के साथ एक और है CrNH3 होल 5। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, इसमें क्या है, ये वाला पूरी एंटाइटिटी और ये वाली पूरी एंटाइटिटी किससे जुड़ी हुई है, एक कॉमन उससे जुड़ी हुई है, सॉरी Cl5 आएगा, ठीक है Cl5 आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं कि ये जो ब्रिज लिगेंड है, इस ब्रिज लिगेंड के पहले क्या लगा दिया जाता है, म्यू, ठीक है, म्यू लगा दिया जाता है। और उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं कि उसको लिखते हैं, उस लिगेंड का नाम लिखते हैं, जैसे कि अपन ने सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया था, उसके बाद अपन सेंट्रल मेटल आयन वाली लिखते हैं। अब यदि मान लीजिए यदि ये लिगेंड एक से ज्यादा मौजूद है, यदि नीचे भी कोई लिगेंड मौजूद है, यानी यदि इस तरीके से भी कोई कंपाउंड होता है जहां पे कि नीचे भी कोई दूसरा लिगेंड मौजूद है, तो फिर अपन क्या करते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो अब इसके दो तरीके हैं नोमेनक्लेचर करने के, देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो आपकी लिगेंड है इनको मैंने क्या कहा, अपन इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, NH3 और OH, ये एमीन है और ये हाइड्रोक्साइड है, तो कितने हो गए अपने, 5 ही हो गए और 5 हो गए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, डेका, डेका एमीन म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू हाइड्रोक्सो, सॉरी हाइड्रोक्सीडो आएगा इसका, मैं दोबारा लिखती हूँ इसको। अपन क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड का एक ई जो है वो अपन हटा देंगे, तो ये अपना क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये अपना कंपाउंड बन जाएगा, ये अपना कंपाउंड है, मान लीजिए मैं फिर से इसको वापस से लिख देती हूँ, ठीक है। अपना कंपाउंड क्या था, ये देखिए अपना कंपाउंड था NH3 होल 5 CrOH, देन Cr NH3 होल 5, ये था अपना कंपाउंड और ये हो गया आपका Cl5। अब इसके दो तरीके हैं लिखने के, पहले तो अपन क्या करेंगे, जितने भी अपने लिगेंड है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए कौन सा पहले आ रहा है, तो यहाँ पे NH3 एमीन है और ये आपका हाइड्रोक्साइड है, तो आपके कौन से हुए, NH3 जिसको अपन क्या कहते हैं एमीन, और OH हाइड्रोक्साइड, और इसका ये E हटा के क्या लगाएगा, O लग जाएगा, HYDROXIDO हाइड्रोक्सीडो। ये अपने पास दो जो है कंपाउंड, अब अपन इनको क्या करते हैं, इनको अपन नाम कैसे लेंगे,
सबसे पहले अपने पास पांच ये है और पांच है तो दस हो गए, ठीक है। दस को अपन क्या लिखते हैं, डेका, डी ई सी ए, डेका एमीन। म्यू हाइड्रोक्सीडो, और क्रोमियम कितने अपने पास, दो है तो डाई क्रोमियम और थ्री क्लोराइड। ये अपन ने लिखा। तो एक तरीका तो इसका क्या है, जितने भी लिगेंड हैं उन सबको पहले अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, और जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसके आगे अपन क्या करते हैं, म्यू लगा देते हैं और दोनों तरफ हाइफन लिख देते हैं। इसका दूसरा तरीका है ये है, देखिए ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक एंटाइटिटी हो गई, इसको अपन क्या लिखते हैं, पेंटा एमीन। क्या है अपने पास, ये एनएच थ्री होल फाइव सी आर, पेंटा एमीन क्रोमियम, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गई, पेंटा एमीन क्रोमियम हो गई, और इस क्रोमियम के ऑक्सीजन स्टेट कितनी, पांच और एक छह, छह किसके बीच में, दो क्रोमियम के बीच में, तो एक क्रोमियम की कितनी हुई, थ्री। तो पेंटा एमीन क्रोमियम, और दूसरी एंटाइटी अपनी है, तो दो अपने पास दो है, इनके आगे अपन क्या लगा देते हैं, बेस, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, म्यू से, तो ये हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। और फिर अपने पास क्या रहेगी, ऐसी ये क्या अपने पास है, पेंटा एमीन क्रोमियम, पेंटा एमीन क्रोमियम कितनी है, दो है, दो एंटाइटी है, और जिनमें खुद में नाम के आगे टाई ट्राई टेट्रा होता है उनको अपन क्या कर देते हैं, बिस बिस, और इसको अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे पूरा, पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन क्रोमियम, थ्री, ठीक है, और क्लोराइड। तो ये अपने पास है, यदि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम है तो उसका अपन नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके अपन फिर और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कि यदि दोनों तरफ से ये ब्रिजिंग लिगेंड हो या मेटल मेटल आपस से बंधे हो तो उनको अपन कैसे लिखते हैं। टिल देन गुड।